गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आम पढ़ा ऑटोमोटिव सब्जेक्टर यूनिट टू ऑटोमोबाइल सर्विस टूल सीजन वन हैंड टूल पढ़ा। तो प्रथम कही उपक्रम उपक्रम अनुसार कौन कही आम जानू ऑटोमोबाइल सर्विस टूल्स एवं इक्विपमेंट आवश्यक गाड़ी रक्षणाबेक्षण टूल्स एवं इक्विपमेंटर आवश्यक रही दक्षता व्यवहार और काम को नहीं विभिन्न प्रकार टूल्स तैयारी होता है। कौन आम ऑटोमोबाइल विभिन्न प्रकार टूल्स विभिन्न प्रकार व्हीकल तैयार होता है तेणु यह सहजरे मशीन रे व्यवहार होता है। प्रत्येक गाड़ी रे इमरजेंसी टूल बॉक्स रही है। देख आम जो गाड़ी चलाऊे बाटर कौट भी प्रॉब्लम हटे तो से समय आम कौन ना इमरजेंसी टूल बॉक्स आम रखी था गाड़ी। ऑटोमोबाइल्स दुकान रे व्यवहार होता टूल्स गुड़िक साधारणतः जनरल इलेक्ट्रिकल व स्पेशल प्रकार अटे। भिन्न भिन्न काम विभिन्न प्रकार टूल्स व्यवहार होता है वो उत्तम दक्षता पाई सटीक टूल्स व्यवहार करा जाए। साधारणतः प्रत्येक टूल्स विभिन्न प्रकार आकार व आकृति रही है। टूल्स सटीक व्यवहार व सटीक प्रणाली जानवा उचित नियमित व्यवधान में टूल्स को पुरस्कार करवा उचित। तो आम सब टूल रक्षणाबेक्षण ठीक से करवा दरकार टूल को साजसजा कर रखा दरकार ठीक समय आमको टूल मिलवा दरकार। तो आम सीजन वन पढ़ा एवं हैंड टूल्स। तो हैंड टूल्स तुम देखि पाने पुणे आम से विषय डिस्कसन टे करदे। तो आवश्यक ज्ञान रिलेवेंट नॉलेज आम कह गले गोटे प्रकार वस्तु अटे जहाँकि पदार्थ व गाड़ी जथा दुई चकिया तीन चकिया जान कार्यकारी होता है। कौन होता है ना हैंड टूल व्यवहार साधारणतः हो, हाथ द्वारा बल प्रयोग करी और विद्युत शक्ति द्वारा कार्यकारी करें। हैंड टूल आम कौन करूँ ना हाथ द्वारा आम व्यवहार करूँ कि विद्युत शक्ति द्वारा आम मशीन जहाँ कह से आम व्यवहार करता। साधारणतः गाड़ी सर्विसिंग आवश्यक होता टूल्स को सर्विसिंग टूल्स कहा जाए। तुम्हें क्वेश्चन पचार बाबू कि सर्विसिंग टूल क्या कह जाए। साधारणतः गाड़ी सर्विसिंग आवश्यक होता टूल्स को सर्विसिंग टूल बोली कहा जाए। जथा कौन स्पैनर फाइल पिलर ग्राइंडर ड्रिलिंग मशीन ऑयल एंड ग्रेस गन हाथुड़ी बा हमार स्क्रू ड्राइवर व्रेंच चिजल पिक्सेस हैंड हेक्सा बेंच वाइस स्क्रू गज वेनियर कैलिपर मल्टीमीटर कैलिपर इत्यादि। तापर हम देखिबा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ जनरल टूल। साधारणतः टूल्स व्यवहार एवं जानिबा प्रणाली विभिन्न प्रकार टूल्स आवश्यक समय रे भिन्न प्रकार भूमिका ग्रहण करिथाय। आमे विभिन्न प्रकार काम विभिन्न प्रकार टूल व्यवहार करछे तुम जानथियो पिला माने जहार एक विवरणी प्रदान करा जायछि तळे दिया जायछि तमे ता एवं देख आम प्रथम पढ़ा स्पैनर यह नट एवं बोल्ट को टाइट व ढिला करने व्यवहार करा जाए। यह नट कमा बोल्ट रो आकार व आकृति को नहीं विभिन्न प्रकार रही था। साधारणतः स्पैनर गुड़िक है रिंग स्पैनर कॉम्बिनेशन स्पैनर बॉक्स स्पैनर ओपन इंडियन स्पैनर चित्र देखु पाने ये हूँ रिंग स्पैनर। यही स्पैनर शेष भाग गोलाकार आकृति होता है। यह स्लिप हो न थाए एवं टूल्स क्षति पहुँचाई न थाए। तो ये हूँ आम रिंग स्पैनर। यह कॉम्बिनेशन स्पैनर बोली कहा जाए। एहाकु बॉक्स स्पैनर बोली कहा जाए। यह कौन व्हील नट बोल्ट को मतलब टाइट बा ढिला करबा पई व्यवहार करता होची। तो यह बेले बेले व्हील नट स्पैनर बोली मध्य कहा जाए।
एभली स्पानर को कहा अपन इन स्पानर ए स्पानर शेष दुई प्रांत भाग खोला होई रही थाए या नट बोल्ट को टाइट हो ढिला करिया पय व्यवहार होई थाए। वर्तमान आमे पढ़ा फाइल यह एक प्रकार हैंड टूल जहाँकि मेटल रिमूवल पर व्यवहार होता है जथा असमान पृष्ठ को समतल प्लेन कर सरफेस को चिकन एवं आकार देवाई फाइल व्यवहार कर तो यह हूँ पांचटी भाग आर रही है जथा टैंक हिल फेस कमा इज एवं पॉइंट किंबा टिप जहाँकि आवश्यक अनुसार व्यवहार आर एम विभिन्न प्रकार रही टैंक हिल फेस इज पॉइंट किंबा टिप ये सब व्यवहार कर आवश्यक अनुसार। एबे आमे पढ़ा पिलर पिलर्स यह टूल्स को होल्ड करवा कमा टाइट करवा व ढिला करिबारे व्यवहार होता है। केतक पिलर कटिंग व्यवहार करा जाए जमीका स्लिप जॉइंट पिलर मु चित्र देखी तुमको स्लिप जॉइंट पिलर चलो ये हूँ आम स्लिप जॉइंट पिलर यह काटा क्षेत्र व्यवहार देख ल एहाको बेंच भाइस बोली कहा जाए यह एक प्रकार वर्क होल्डिंग वस्तु जहाँकि कौन पदार्थ को धरी रखी कार्य करिथाए यार एक बड़ी थाए वो दुईटी जो थाए तुम देख लो दुईटी जो ये हूँ दुईटी जो यही जोर गोटे भाग स्थिर थाए एवं अन्य भागटी गतिशील थाए तुम देखु राइट साइड वाला जो स्थिर थाए एवं फास्ट जो कौन जे मुविबल होता है तो अवस्था थाए तेणु यह कौन पदार्थ को सहजरे जाबुड़ी रखिबार साहय करे वो यार आकृति जो उपरे निर्भर करे तो एथिरे विभिन्न प्रकार काम मध्ये होउची से काम गुड़ाक जिमितिका फाइलिंग चिपिंग टेपिंग थ्रेडिंग फिटिंग इत्यादि ये होउची हैंड हेक्सा जहाँ ओडिया कहा जाउची करत यह पदार्थ को काटिबार व्यवहार करा जाए जथा आयरन रोड पाइप्स स्टील इत्यादि एथिरे हैंडल फ्रेम कटिंग ब्लेड वो एडजस्टिंग नट मध्य थाए तो तुम चित्र देखु यह हूँ हेक्सा एवं हेक्सा मध्य विभिन्न प्रकार रही एहाको चिजेल बोली कहा जाए यह वस्तु को काटिबा जीवा व चिकन करिबारे व्यवहार करा जाए यह साधारण भावे वस्तु को फ्लैट कट करे क्रॉस कट करे राउंड नोज मध्य कट करे साधारण भावे यह मूर्ति को आकृति देवारे मध्य व्यवहार करा जाए तो तुम देखिल एहाको सी एच आई एस ई एल चिजेल बोली कहा जाए ये सब जिनस आम ऑटोमोबाइल पर टे जाना दरकार कहीं हेक्सा बेंच भाइस विभिन्न विभिन्न प्रकार हैंड टूल विषय जाना दरकार तो ये सब इम्पोर्टेंट आम पाई। एबे आमे पढ़ा स्क्रू ड्राइवर्स तुम स्क्रू ड्राइवर देखी थो पाने तो विषय आम देखा जी यह एक प्रकार वस्तु जहाँकि स्क्रू को फिट कर टाइट वो ढिला कर व्यवहार होता है। यह टिप्स को नहीं विभिन्न प्रकार रही था जथा फ्लैट हेड फिलिप्स हैक्स इत्यादि व्यवहार करा जाए तो तुम स्क्रू विषय में भलसे जान थो पाने एहाकु रेंचेस बोली कहा जाए यह एक प्रकार वस्तु जहाँ नट और बोल्ट को टाइट व ढिला कर व्यवहार करा जाए यह नट व बोल्ट आकृति अनुसार व्यवहार करा जाए यह दुई प्रकार तथा एडजस्टेबल एवं नॉन एडजस्टेबल तुम देखि नॉन एडजस्टेबल यह मुख्यतः ऑड साइज
नट कमा बोल्ट को टाइट एवं ढिला कहिबारे मध्य व्यवहार करा जाए। यहाँ को हमार कहा जाए तुम देखि पाने तो यह एक वस्तु जहाँकि पदार्थ को बाड़े बाड़े सीधा करिवारे एवं ओपाड़े व्यवहार करा जाए। यार एक भाग काठ रो हैंडल हैंडल थाए एवं अन्य भाग रे लुहार पदार्थ रही थाए। यही लुहा पदार्थ रो एक भाग को पेन एवं अन्य भाग को फैस कहा जाए। साधारणतः पेन गुड़िक विभिन्न प्रकार होता है जथा बॉल पेन क्रॉस पेन स्ट्रेट पेन हमार कठिन वस्तु को नहीं तैयारी होता है तेणु जांत्रिक हातुड़ी बोली मध्य याकू कहा जाए। तो तुम चित्र देखि बुझी पारथुबो पिला माने ये देख हमार विभिन्न अंश को विभिन्न नामकरण दिया जाए छे ग्रिप हैंडल चेक क्लो नेक फेस बेल को स्निफ्स कहा जाए। यह एक प्रकार वस्तु जहाँ स्टील मेटल काटिबारे व्यवहृत होता है एवं यह अन्य वस्तु को आकृति दे थाए तो यह स्निफ बोली कहा जाए। ଏହାକୁ ମେଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ହାତୁଡ଼ି ପରି ଏହା ରବର ଏବଂ ଶକ୍ତ କାଠ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଆକୃତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ଗନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ୱାର୍କସପ୍ ଟୁଲ୍ ଯାହାକି ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚକର ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ କମ୍ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ये लुब्रिकेशन सिस्टम को हेल्पिंग करता है ग्रेस गन एथिरे ग्रेस थाए। एबे आमे पढ़िबा ग्राइंडिंग मशीन। तमे तो ग्राइंडिंग मशीन नाम सुनथियो पिला माने जिंतिया ग्राइंडर किंतु ये एक प्रकार ग्राइंडर जोड़ा कि आमर मटेरियल को चिकण करे बा तीक्षण करिथाए। तो पढ़िया कहिया गले एहा को ग्राइंडर मध्य कहा जाए। एहा पदार्थ को ग्राइंडिंग करी चिकण व तीक्षण करिथाय एवं खदड़िया पदार्थ को चिकण करिबारे सहाय्य करिथाय। तो याकु मध्य एक प्रकार ग्राइंडिंग मशीन बोली कहा जाए। पिला माने एहाकु ड्रिल बिट बोली कहा जाए। तुम जितेबाले बाहर काम करिवो कंपनी गुडा करिवो बड़ कंपनी काम करिवो ताले ए बढ़िया बिट को तुम देखिवो सब बेले सीएनसी हो बा ड्रिलिंग मशीन हो तुम ए बढ़िया सब देखिपारिवो बाहर किंतु आईटीआई क्लास रे डिप्लोमा क्लास मध्ये तुम देखिपारिवो। तो यह एक प्रकार कटिंग टूल जहाँकि गोलाकार गर्त करिवारे सहाय्य करे। यही बीट गोलाकार एवं विभिन्न आकार होता है। यही बीट गोलाकार आकार घूरी एक बिंदु रे बल प्रयोग करी गर्त बा गात सृष्टि करिथाय। तो बुझले पिला माने एहाकु ड्रिल बीट बोली कहा जाए। एहाकु पंचिंग कहा जाए। तो ଏହାକୁ ବେଳେବେଳେ ପଞ୍ଚିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଏଭଳିଆ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କଠିନ ବସ୍ତୁ ଯାହାର ଏକ ଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ତନ୍ତରା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ପଞ୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଦରକାର ମାର୍କିଂ ଦରକାର ତ ସେଇଠି ଆମେ ପଞ୍ଚ କରିଥାଉ। ଏହାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗାଡ଼ିର ଚକ ଖୋଲିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ
व्हील ब्रांचेस बोली कहा जा तो यह क्या जाए टूल बॉक्स एथिरे सब प्रकार टूल रही थाए एवं यह धाड़ी रे भाग भाग हो रही थाए। तो देखो तो पिला माने किमिति साज सजा जाए तो ये एक प्रकार बॉक्स जो थे कि टूल मान को साज सजा कर रखा जाए जमी कंपास बॉक्स रे स्केल पेंसिल रबर रखा जाए सेम टूल बॉक्स रही थाए आमर टूल बॉक्स रे आमर सब प्रकार टूल निरापद अवस्था रे वो समान भाव रही थाए। तो ये हमारे टूल बॉक्स टूल सजाग निर्देश अनुसार सजा रखा दरकार टूल को व्यवहार पर सटीक प्रणाली वो माध्यम आवश्यक होता है यार व्यवहार पर सटीक जगार सफा सुतरा कर रखा उचित यहाँ व्यवहार करने समय यार सटीक निरापत्ता प्रणाली संपर्क जानवा आवश्यक एवं सटीक ड्रेस कोड कमा वर्कशॉप समय रे पिंधिबा आवश्यक। तो आज पे इतकी थैंक्स टू ऑल।